इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से दोनों दावा कर रहे हैं कि अपना उम्मीदवार जीतेंगे, लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक अहमद साहब, कांग्रेस अकलीती माइनॉरिटी यानी कि अकलीती मोर्चे के वो जिम्मेदार हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रफ़ीक अहमद साहब, आपका खैर मकदम इस्तकबाल हमारे चैनल पर। मुस्लिम समाज को लेकर कांग्रेस एक ज़माने से यानी कि मुस्लिम समाज की हिमायत हमेशा हासिल रही है, वो एक तरफा वोट करते भी आए, लेकिन जिस तरह हालात रुनुमा हो रहे हैं पूरे मुल्क में, सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर, दिगर भी मामलात में, तो कांग्रेस को लेकर कहीं तो भी मुस्लिम समाज इसलिए भी बदजन है कि एक तो इख्तदार से दूर हैं आप, और दूसरा इख्तदार पजीर जो है वो धर्म की सियासत यानी कि मज़हब की सियासत कर रही है। तो मुसलमानों के तहफ्फुज़ को लेकर कांग्रेस के पास आने वाले दिनों में क्या मनसूबाबंदी है, क्या प्लान है? आपको किधर लग रहा है कि दूर है, ऐसा लग रहा है कि आपको इख्तदार से तो दूरी है ना सर? है हिंदुस्तान की तारीख आप देखेंगे तो जब भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है या जब भी कांग्रेस पार्टी पावर में है तो ऑल मुस्लिम लीडर्स हैव बीन गिवन पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कर्नाटक में ही गवर्नमेंट बनी है तो बहुत से मुसलमानों कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बने हैं, अच्छे अच्छे प्रोफाइल निभाए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट निभाए हैं, अर्बन डेवलपमेंट निभाए हैं। कई स्कैम्स में नाम भी तो है ना? स्कैम्स जी, जैसा रोशन बेग है, नहीं वो उतना बड़ा लीडर नहीं कि मैं स्कैम के बारे में बात करूँ। नहीं, मैं कांग्रेस जो है, जिस जगह पर आपने एक ही सही कहा कि मुसलमानों के लीडर्स तो आगे गए, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए काम करने के बजाय किसी स्कैम में फंसते नजर आए, वही बता। देखो पॉलिटिकल लाइफ में कुछ ऐसे भी ये होते हैं कि कभी कभी स्कैम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके बोले ऐसे स्कैम में माइनॉरिटी लीडर फंस गए हैं, ऐसे ऐसे घोटाले में मुस्लिम लीडर फंस गए हैं। कभी कभी स्कैम बोलने से कुछ गलतियाँ भी हो जाते हैं। अगर वो गलती मतलब आप मान रहे हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी लीडर्स कर देते हैं ना, तो इसलिए ये नहीं कि वो लीडर गलती कर दिया कि पूरी कम्युनिटी गलत है। नहीं, कम्युनिटी लीडर को तय इसलिए करके भेजती है आगे है कि वो कम्युनिटी का काम आए, ना कि गलतियाँ करने की। सी होता है, गलतियाँ कर रहे हैं तो हम भी कभी कभी जो कम्युनिटी है तो सोच के लीडरशिप को तय करना पड़ता है। तो हमारे में कर्नाटक में भी बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कौम को मेन स्ट्रीम को लेके चलने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लीडर हैं जैसे कि सेकंड लाइन लीडर हो या दूसरे दूसरे टाइप में मुस्लिम क्वालिटी ऑफ पोटेंशियल यूथ्स को आगे बढ़ाने की कोशिश में बहुत से लीडर्स काम कर रहे हैं। सर, सतीश जारकीहोली से लेकर माधवराव सिंधिया तक कांग्रेस के आइडियोलॉजी से तो जीत कर आए, फिर गोडसेवादी की तरफ क्यों गए, तो लोगों को भरोसा कैसे हो सकता है? सी कांग्रेस इस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, और अगर हम सेकुलर दिमाग में या सेकुलर सोच में चलते हैं तो सेकुलर सोचेंगे। अगर गोडसे और गांधी के आइडियोलॉजीज में बहुत डिफरेंसेस है। आज हम सतीश जारकीहोली जी के लिए, मैं रमेश जारकीहोली की बात कर रहा था, वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो थे तो वजीर भी थे? नहीं, वो थे लेकिन अभी नहीं है ना, जो है उनके बारे में बात करेंगे, जो नहीं है उनके लोग। अगर देखिए, वो तो बीजेपी दो सीटों पर जीत कर आती थी पहले, आज इख्तदार तक पहुंची, अगर यहाँ से वहाँ जाने वालों की तादाद भी तो काफ़ी है ना सर, तो कैसे हम भरोसा करें कि जिसको हम जीता कर आगे भेजते हैं, या तो फिर पहले तो ईवीएम का मसला चल रहा है, वोटों को खरीदा जा रहा है, फिर एमएलए एमपीस को भी खरीदा जा रहा है, कैसे भरोसा करें कि हम जिस आइडियोलॉजी को वोट दे रहे हैं वो आगे जाकर कहीं बिक जाए? नहीं, ऐसे नहीं होगा। शायद आप अपना वो सोचने की और बोलने के तरीका गलत हो रहा है। हम अगर आइडियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इधर बाई इलेक्शन चल रहा है, बेलगाम पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन चल रहा है, सतीश जारकीहोली जी को कांग्रेस सिंगल नाम देके कैंडिडेट बनाए हैं।
आप उनके आइडियोलॉजिस्ट सोचे, सतीश जारकीहोली के आइडियोलॉजिस्ट सोचे, उनके काम करने का तरीका सोचिए। और सिर्फ वो एक मज़हब को लेके चलने के आदमी नहीं है, हर मज़हब को लेके चलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियोलॉजिस्ट, कांग्रेस के आइडियोलॉजिस्ट, जो सेकुलर दिमाग है, सेकुलर सोच है, वो लेके चल रहे हैं। इसीलिए पूरी कर्नाटक के हर मज़हब के लीडर्स, फर्स्ट लाइन हो या मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं, वो इधर आके कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी जीत के लिए काम कर रहे हैं। असम और बंगाल में ईवीएम के मसले सामने आए हैं, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाए जा रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन के ज़रिए से ही किसी उम्मीदवार को जिताया जा रहा है तो फिर कांग्रेस कैसे इक्तदार तक पहुंच सकती है, बताइए। देखो, हिंदुस्तान की तारीख में, आज की सिचुएशन में, अगर हम सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। ये सोचने की और बोलने की लड़ाई है। आप जैसे सोच रहे हो, जैसे फिक्र कर रहे हो, ये पूरी हिंदुस्तान में ये निकलेगा, ये आवाज़ निकलेगी। जैसे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो या इलेक्शन सिस्टम में छेड़छाड़ हो, वो पूरा सही हो जाएगा। अभी वो पॉलिटिकल पावर में है तो बहुत कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं। देर इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में, वी हैव एन ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कानून के तहत बहुत कुछ बदलाव होगा। हम आशा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रखने के लिए। सर, किसान आंदोलन को लेकर हम देख रहे हैं कि एक तरह की फिजा बनी हुई है। क्या बात है कि कांग्रेस जो है इधर साउथ में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था नहीं कर पाई, क्या वजह हो सकती है सर? माफ़ी चाहता हूँ, शायद आप टीवी वगैरह में नहीं देखे होंगे, कर्नाटक में पहली बार आफ्टर कोरोना रहने की वजह भी कर्नाटक में कांग्रेस ने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया कि पूरे कर्नाटक में, बेंगलुरु में इतना एक बड़ा आंदोलन चला। और आपको तो मालूम है, ये नया अभी प्रेजेंट कोरोना का कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं कि हम कहीं रोड पे जाके स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, या मजमा जम के कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, क्या कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ये जो फार्मर्स हो या माइनॉरिटी हो, एससी एसटी ओबीसी और लेबर्स डिपार्टमेंट के, हमेशा उनके साथ खड़ी है हमेशा कांग्रेस पार्टी। जब भी हिंदुस्तान में हो या हर स्टेट में जब भी इनका प्रॉब्लम होता है तो पहली एक पॉलिटिकल पार्टी है वो जो रोड पे आके अपनी आवाज़ उठाती है। सर, भारत देश के अंदर जैसा आपने कहा कि संविधान तो है, लेकिन संविधान को ही पसे पुष्ट डालकर नए नए कानून को बनाया जा रहा है। मुसलमान डरे सहमे हुए हैं, इख्तदार पर भाजपा है और वो अपना हिंदू राष्ट्र का बार बार एजेंडा जो है वो दोहराती रहती है। मुसलमानों को कैसे भरोसा दिलाया जाएगा, क्योंकि 60-70 साल से देख रहे हैं कि कई फसादात हुए, कई लोग मारे गए, कई जेलों में चले गए, तो ये जो है भरोसा मुसलमानों के दिलों में कैसे आप करेंगे, क्योंकि ये तकसीम जो वोटों की हो रही है इसी के पस मंज़र में हो रही है। मुसलमानों को कोई हिमायत अगर कोई कर रहा है तो उसी के पीछे चले जाते हैं, कहीं पर भी एक सहारा नज़र नहीं आ रहा। तो कांग्रेस मुसलमानों के लिए आने वाले दिनों में क्यों, जबकि इख्तदार में थे तब जो है लोग आज भी कई बार शिकायत करते हैं कि मुसलमानों को जिस हद तक उन्हें इंसाफ मिलना था नहीं मिल पाया, तो आने वाले दिनों में कैसे कर पाए? सही पूछा आपने। कांग्रेस बहुत साल हिंदुस्तान में हुकूमत किया था। जब UPA 1 बना था, कांग्रेस के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी, साचार कमेटी बनाई थी। साचार कमेटी इसलिए बनाई थी कि ऐसे ही वो कुछ रिपोर्ट ला के दे हिंदुस्तान के मुसलमान की हालत क्या है, सियासी हालत क्या है, उनकी एजुकेशन, फाइनेंशियल, ये पूरे एस्पेक्ट्स को दौरा करने के लिए एक साचार कमेटी बनाए थे। जब UPA 1 के बाद जब UPA 2 आई तो वो रिपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट क्या तरीके से करना, इसलिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बनाया था। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ये कुछ ऐसे सुझाव दिए थे कि कैसे हम माइनॉरिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं और मेन स्ट्रीम को लाने की कोशिश करने के लिए कर रहे थे। ऑटोमेटिकली आफ्टर UPA 2 हमारी पार्टी नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, इंशाल्लाह। उम्मीद तो रखिए, पहले तो हम अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करते हैं, बाद अपने खुद पे उम्मीद करके। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जब तक हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहेगा, हम किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी आ जाए या कोई पार्टी आ जाए, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी ऑल मुस्लिम्स स्पेशली माइनॉरिटीज ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव। डरने की क्यों बात नहीं है सर? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बदले जा रहे हैं, अदालत तक जो है हुकूमत के दबाव में फैसले ले रही है, फिर आप कैसे कहते हैं कि ये फिक्र की बात नहीं है? सी, सुप्रीम कोर्ट हो या कुछ जस्टिस हो, वो एक दायरे में करते हैं। एक दायरे होता है, एक लोअर कोर्ट होती है, उसके बाद एक हायर कोर्ट होती है, उसके बाद एक हायर कोर्ट होती है। हमारा मतलब हमें इधर इंसाफ नहीं मिली तो हम ऊपर की कोर्ट को जा सकते हैं, उधर नहीं मिली तो और ऊपर कोर्ट को जा सकते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि रंजन गोगोई ये राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहली बार ऐसा हुआ है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कहाँ बताइए मुझे। शायद वो बीजेपी के लीडर्स को पूछना पड़ेगा कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन राज्यसभा बनने के लिए क्या थी करके। शायद बीजेपी के लीडर्स को, बड़े नेता को पूछना चाहिए कि वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी के लिए क्या थी कि उनको राज्यसभा बना दिया। पूरे मुल्क का काला सियादीन के तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा जाता है और एक भी मुजरिम नहीं पाया जाता, तो किन फरिश्तों ने गिराई थी, क्या है इसकी, इसके कैसे आप जो है ये अदलिया के पस मंजर में कैसे देखें? ये ऑलरेडी 3 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैठ के ये जजमेंट दिया है और उसके पीछे इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे कुछ मुस्लिम लीडर्स भी उसके पीछे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मतलब और इंतज़ार करेंगे? करना तो पड़ेगा ही। हम पूरे सब्र से रहने वाले हैं, हम सब्र करेंगे तो मीठा फल तो मिलेगा। वी आर नॉट पॉलिटिकली हियर बेगर्स। हम अपना काम करेंगे, सब्र करेंगे तो एक दिन आप, मुझे तो अल्लाह की ज़ात को भरोसा है, मैं सब्र करता हूँ और थोड़े दिन सब्र कर लेंगे। कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी कहीं तो आजकल कतराती नज़र आ रही है, कहीं हिंदू वोट बैंक नाराज ना हो जाए टिकट इनको देने से। और ये भी एक ख़ास बात रही सर कि बकलिगा है, लिंगायत है, सब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम वोट अगर मिल जाते हैं तो हमारा कैंडिडेट जीत जाता है, मुसलमान कैंडिडेट को सब मिलकर क्यों नहीं जिताते, क्या बात है? कांग्रेस भी क्या इस तरह का सियासत कर? सही बात की आपने। 2018 का असेंबली के इलेक्शन के बाद पूरी कर्नाटक के ऑल मुस्लिम लीडर्स, जो उस तारीख पे जो मिनिस्टर्स थे, राज्यसभा थे, एमएलसीज थे, एमएलए थे, एक्स एमएलए थे, पूरे मिलके पूरी कर्नाटक में एक मुस्लिम इंटरेक्शन प्रोग्राम करके कर्नाटक में किए थे, जनाब सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में किए थे और पूरी कर्नाटक के मुस्लिम लीडर्स आए थे। 2018 में कर्नाटक में सिर्फ माइनॉरिटी बोले तो मुसलमान की परसेंटेज ऑफ पोलिंग 90% हुई थी। तो उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग में वो तय किए थे कि कहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ हम मुस्लिम कैंडिडेट पूछने के लिए एक मुस्लिम रायत के लिए हम पूछने के लिए तैयार कर रहे हैं। और कर्नाटक में हमारे माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के सदर जनाब सईद अहमद साहब और हमारे कर्नाटक के इंचार्ज डॉक्टर जफर अहमद साहब भी अभी पूरा उसके पीछे काम कर रहे हैं। कर्नाटक में 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ कहाँ हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहाँ हम नंबर वन पॉपुलेशन पे हैं और कहाँ हम मुस्लिम कैंडिडेट पूछ सकते हैं कहने का, ये वो भी एक प्लान कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए। बेलगाम लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात को लेकर कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता बेलगाम शहर के इस दफ्तर में मौजूद हैं जहां कांग्रेस भवन कहा जाता है। तो यहां पर जीनत जाकिर हैं जो बागलकोट से यहां तशरीफ़ आवर हैं, लिहाजा वो कांग्रेस अकलेती मोर्चा खवातीन शोबे खवातीन के वो जिम्मेदार भी हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले मोहतरमा आपका खैर मकदम इस्तकबाल। जैसा उमूमन मुसलमानों के खवातीन के ताल्लुक से भी जो मोदी हुकूमत है नए नए तरीके नए नए कानून को वो मंजर आम पर लाइए मंजूर भी किया, तो कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से उसकी मुखालफत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जबकि आप अकलियती मोर्चे के जो है जिम्मेदार हैं, तो क्यों नहीं, इसकी वजह क्या हो सकती है? काम चल रहा है, मंजर आम पर नहीं आ रहा, क्या बात? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ जो हमारी कांग्रेस पार्टी इतने सालों से जो वर्क करके है, जो माइनॉरिटी के स्कीम्स हैं,
जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स लोन्स हैं, जो भी है, जो ख्वातीन को जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो उतनी फैसिलिटी बीजेपी से मिल नहीं रही है। क्योंकि देखिए, तीन तलाक का रूल्स तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। वो क्योंकि हमारे हदीस से जो हम लोग चल रहे हैं तो वही रूल्स फॉलो करेंगे। जो मोदी सरकार, जो गवर्नमेंट उनकी जो रूल्स बनाती है उस पर हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। और एक बात, जो ख्वातीन को हम लोग कांग्रेस में जितनी फैसिलिटी दिए थे, जो पर्सनल लोन थे, माइक्रो लोन थे, सभी थे, वहाँ पर सभी लोन्स के हिसाब से पूरा पैसा सही मिल रहा था। आजकल देखिए आप, लोन पे कितना पैसा मिल रहा है कट होके, जहाँ यूजी के बच्चों को 50-60 हज़ार मिलना है, वहाँ 10 हज़ार भी नहीं आ रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब सिद्धरामैया जी का जो काम है, वो हर एक गरीब आज आप देख सकते हैं पेट भर के खाना खा के सोते हैं, अमीर लोग कैसे भी गुजारा कर सकते हैं। जो हमारे बादामी क्षेत्र मतलब क्षेत्र के जो MLA हैं सिद्धरामैया जी, उनका जो काम है ना, वो काम पे हर कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है। हम ये नहीं जानते ये क्यों विन नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी। हम लोगों को भी पूरा नाराज़गी इस पर EVM पे है, क्योंकि हर कोई बोलता है हम वोट डाले हैं, लेकिन वोट कहाँ जा रहे हैं? नहीं, EVM पे नाराज़गी है, लेकिन आप मुखालफत उस कुव्वत की नहीं कर रहे, उस मियार की नहीं कर रहे। क्यों कांग्रेस इस तरह से खामोशी इख्तियार की है? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं की है कांग्रेस पार्टी। एक भी तो हम एहतजाज नहीं देख रहे। नहीं नहीं, आवाज़ तो उठ रही है। ये क्या हो रहा है देखिए, जब मोदी सरकार और अमित शाह के जो रूल्स हैं ना, उन लोगों के रूल्स के ऊपर ये दुनिया चल रही है, समझिए। अब देखिए, हमारी अजान के ऊपर इनको कितने एतराज़ किए हैं। हम उनके घंटियाँ सुबह के 5 बजे जब बजने चालू होते हैं मंदिर में, हम लोग कांग्रेस में थे तो हम लोग कभी अगेन नहीं किए इनके मंदिर के घंटियों पे। ये इनको मस्जिद, मदरसे, हमारे अजान, इसी पे इनको नाराज़गी है। क्यों भाई, हम मुसलमानों पे ही इनको इतनी नाराज़गी क्यों है? हम लोग कांग्रेस के वोट बैंक हैं करके बोलते हैं, ये बात तो सही नहीं है। क्योंकि हम लोग दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, दिल से कांग्रेस को जिताते हैं, क्योंकि वो हर एक कौम को साथ लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। जब हमारे अजान से इनको इतनी तकलीफ़ है, तो हम लोग कभी नहीं बोले कि इनके मंदिरों की घंटियों से हमारे को तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है, हर कौम को साथ लेके चलती है। मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस के लिए मुसलमान ग्रांटेड है, समझ लीजिए, क्योंकि इनको आप अगर ना भी डालो कहो तो भी लोग हाथ पर ही जाकर सील मार देते हैं। मसला ये है कि जो अक्सरियत हिंदू समाज कांग्रेस पार्टी से दूर होती जा रही है, और मुसलमान तो वैसे भी अकलियती हैं, तो इन्हीं की बुनियाद पर कभी हुकूमत बनाई नहीं जा सकते। दूर होने की वजह क्या है और उसको क्यों दूर नहीं किया जा रहा, इस नाराज़गी को क्यों दूर नहीं किया जा रहा? कहीं तो कांग्रेस की कमी आपको नज़र नहीं आ रही है? नहीं नहीं, देखिए ये बात आपकी मैं नहीं मान सकती, क्योंकि हर पार्टी में प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, दूर कोई नहीं हुआ है। देखिए, जब घर है बोले तो बर्तन कितने रहते हैं, वो बजते ही रहते हैं घर पे। ये कुछ ज़्यादा ही बज रहा है ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए, ये बात गलत है। हर एक फैमिली मेंबर का जो मसला रहता है वो घर में उलझ के सुलझ के ही रहता है। इसमें कांग्रेस का कोई ऐसा मसला नहीं है कि सुलझ न सके। हर कोई लीडर्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बीजेपी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स पूरे रास्ते पर आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे कांग्रेस पे ही है, ये तो हमारा ही घर है कांग्रेस पार्टी। हर एक इसमें मसले उलझते हैं, सुलझते हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोग सुलझा के रहते हैं। आपसे इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कांग्रेस के अंदर? नहीं नहीं, ऐसा तो अभी तो हमारे गुलाम नबी आज़ाद भी नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। जी देखिए, वो तो बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। रियासत के CM इब्राहिम भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखिए, सब सीनियर लीडर्स के बारे में हम बोलने उतना तो हमारे को ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी एक एक सोच है भाई, सब लोग अपने अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। आपने बोला रोशन भाई, हमारे CM इब्राहिम साहब, और देखे तो गुलाम नबी आज़ाद, ये सभी सीनियर लीडर हैं। उनकी उनकी नाराज़गी नहीं है, वो बता रहे हैं कि हम जूनियर्स जो हैं उनको सही तरीके से लेके चलो बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में सब लोग एक ही हैं, एक मकसद लेके चल रहे हैं। हम लोग सतीश अन्ना के लिए यहाँ पर आए हैं, सतीश अन्ना को हर कोई चाहता है। सतीश अन्ना एक ऐसे लीडर हैं, हर कौम को साथ में रख के चलने वाले हैं। देखिए, हम लोग ख़वातीन इतने दूर से आए हैं, KPCC के हम लोग सब मेंबर हैं, तो हम लोगों को जहाँ जहाँ इंचार्ज डाले हैं वहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी मकसद इतना ही है कि हम सतीश अन्ना को जिताना चाहते हैं, यहाँ से MP कैंडिडेट बना के भेजना चाहते हैं। आइंदा के दिनों में अकलियती ख़वातीन के लिए क्या मनसूबाबंदी है? ख़वातीन को देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस रखा जाता है हमारे कांग्रेस में। देखिए, ख़वातीन को कभी पीछे नहीं छोड़े हैं, हर कोई चाहता है। हमारे मुस्लिम ख़वातीन बाहर नहीं आते हैं, दीन के साथ दुनियादारी भी ज़रूरी है मुस्लिम ख़वातीन को। हमारे कांग्रेस में हम सब यही बोलते हैं, हर ख़वातीन बाहर आई है मुस्लिम, एक अच्छे अच्छे मुकाम पर रही।
चाहिए, आगे बढ़िए, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। मुस्लिम खवातीन बोल के ही नहीं, अदर पार्टी, अदर कम्युनिटी, सब लोगों को, हर एक लेडीज़ को साथ रखें। अभी हाल ही में नरसिम्हानंद ने जो गुस्ताख रसूल जी बोली, शान रसूल में तोहिन नामोज अल्फाज इस्तेमाल किए, तो पार्टी की जानिब से क्यों उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? नहीं, वो तो कदम उठाएंगे, नहीं बोल के नहीं। देखिए, कोई किसी मजहब के ऊपर उंगली उठाना किसी को हक नहीं है। हम लोग उनके राम और हनुमान, इनके चालीसा के बारे में हम कभी आवाज़ नहीं उठा, गलत बात नहीं करते। ये होते ही कौन है कि हमारे जो रसूलुल्लाह है उनके बारे में बात करने वाले? अरे भाई, अपने अपने कौम की एक रिस्पेक्ट है, उनके ऊपर चलिए। हमारा इतना ही मकसद रहेगा, कोई कुछ बोला तो हम तो छोड़ने वाले नहीं, हमारे कौम हमारे कुछ ज़्यादा है, आप उनकी कौम उनके लिए ज़्यादा है। अच्छा, अखिलेती यहाँ पर जो है माइनॉरिटी का काम नहीं चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से चल भी रहा है, जैसा सतीश जारकीहोली के जो जेर मातहत हमारे इमरान तबकीर हैं, तो इस ताल्लुक से क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आज आपको एक बात बताती हूँ, हर एक को साथ लेके चलने का हमारा मकसद है। अब इमरान तबकीर भाई गोकक से हैं, वो फैमिली से रहे, तो भी हमारी पार्टी उनको डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनाई है, क्योंकि क्या मकसद बोलिए, ये सब हम सबको साथ में लेके चलने का ही हमारा मकसद है। हम लोग ऐसे नहीं है कि किसको छोड़ना किसको बढ़ाना, ये कुछ नहीं है, यही हमारा मकसद रहेगा कि कांग्रेस आए, कांग्रेस विन हो, कांग्रेस हर कोई को लेके चले, और कांग्रेस जब जीतेगी ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये जो उपचुनाव ने बेलगाम का शुरू हुआ है, मैं सब जगह दौरा लगा चुका हूँ, 8 विधानसभा में दौरा लगा चुका हूँ, और सब सतीश जारकीहोली को वोट देने का भी इरादा कर चुके हैं, क्योंकि सतीश जारकीहोली एक ऐसे लीडर हैं, वो गरीबों के लीडर हैं। जो सिद्धरामय सरकार जो योजने जारी करी थी उसको बीजेपी सरकार अभी बंद कर चुकी है, उसको उल्टा अगर चालू करना है तो कांग्रेस को वोट डालना है, ये लोगों को सब समझ चुका है अभी, और सतीश जारकीहोली की जीत खचित है।